Hi my guys, so today we are going to start a new chapter number 14, Light, Shadows and Reflections. Okay, Light, Shadows and Reflections. So ye chapter mein humne mainly we are going to learn about the properties of light. Okay, what are the major sources of light, from where we are getting light, then शेडो का मतलब क्या है. शेडो को हमने हिंदी में छाया कहते हैं और परछाई कहते हैं. सो इसका प्रॉपर्टीज़, देन पिन होल कैमरा, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, दिस आर द टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, देन व्हाट यू मीन बाय एन इमेज. इमेज मतलब क्या होते हैं. Difference between a shadow and an image, and then some activities. Okay, so let us start now. So now let us recollect that we have studied in our previous classes. So first of all, light matlab kya hota hai. Light, it is kind of energy. Okay, it is a form of energy. It helps us to सी द थिंग्स अराउंड अस. जो हमारा सराउंडिंग में, हमारा आजू बाजू में जो क्या क्या होते हैं, वो सभी देखने के लिए हमको ये मदद करते हैं. ओके, सो लाइट, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. अगर लाइट नहीं है तो आप लोग सोचो, इफ़ यू आर एंटरिंग इन टू अ डार्क रूम. डार्क मतलब क्या, डार्क मतलब पूरा अंधकार होते हैं. ओके, सो इफ़ यू आर एंटरिंग इन टू अ रूम, until we are switching on the light, we are not able to see anything. अगर हमने लाइट कुछ भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन when we are switching on the light, हमने स्विच ऑन किया तो क्या हो जाएगा, ये लाइट रेज होते हैं, ये बल्ब से लाइट रेज ये ऑब्जेक्ट्स में स्ट्राइक होके वापस हमारा आँखों में रिफ्लेक्ट होते हैं. सो दैट्स हाउ वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट. हमने ये ऑब्जेक्ट्स को ऐसे देखते हैं. ओके, सो इसका मेन मीनिंग क्या होता है. इसका मीनिंग यही है, वी नीड लाइट टू सी द थिंग्स अराउंड अस. जो हमारा आजू बाजू में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सभी देखने के लिए हमको लाइट चाहिए. लाइट नहीं है तो हमको कुछ भी देख नहीं सकते. हमको पता है मेन सोर्स ऑफ लाइट. ओके, हमारा जो अर्थ में मेन सोर्स ऑफ लाइट, इट इज़ सन. मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ, इट इज़ आवर सन. देन मैन मेड सोर्सेस भी होते हैं, लाइट का मैन मेड सोर्सेस भी होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग कैंडल, टॉर्च, दीज आर मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट. ओके, एनी ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज सेड टू बी ए सोर्स ऑफ लाइट. सो ये सोर्सेस ऑफ लाइट वी कैन क्लासीफाई इन टू टू टाइप्स. ओके, नेचुरल सोर्सेस एंड मैन मेड सोर्सेस. तो बहुत ईजी है. नेचुरल सोर्सेस मतलब जो पहले से हमारे नेचर में होते हैं. सोर्सेस ऑफ लाइट दैट ऑक्यूर्स इन नेचर. ओके, लाइक हमारा सन, हमारा सूरज, देन स्टार्स, फायरफ्लाई, जेली फिश, दिस आर natural sources of light. okay, then man-made sources मतलब क्या होते हैं. man-made sources मतलब जो source of light that are made by man. okay, जो हमने बनाया light sources, इसको हमने man-made sources कहते हैं. so इसका example है electric bulb, candle flame, torch, etc. okay, so sources of light टू टाइप होते हैं. नेचुरल सोर्सेस भी होते हैं, मैन मेड सोर्सेस भी होते हैं. नेचुरल सोर्सेस मतलब जो पहले से हमारे धरती में होते हैं. मैन मेड सोर्सेस मतलब जो लाइट सोर्सेस हमने बनाया, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल फ्लेम, टॉर्च, एक्सेट्रा. ओके, सो इन आवर प्रीवियस चैप्टर मटीरियल्स ऑफ डेली यूज, इसमें हमने ग्रुपिंग के बारे में पढ़ाई किया था. ओके, व्हाट इज़ द नीड ऑफ और व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स.
So here we can group or we can divide objects into two type based on the ability to emit light. Okay, so we can divide objects into two type according to the ability to emit the light. Emit the light, emit ka matlab kya, emit matlab produce karna or just discharge karna, that is the meaning of emit. So according to the ability to emit light, we can classify objects into two type, that is first one luminous object and the second category, that is non-luminous objects. Okay, luminous objects and non-luminous objects. Ye bhi bahut easy hai. Luminous objects matlab objects like sun, stars, then bulb, firefly, burning candle, the objects which can emit light of their own. Okay, jo objects apna light discharge karta hai, okay, apna light emit karta hai, that kind of objects are known as luminous objects. Jo objects humko light deta hai, aise objects ko humne luminous objects kehte hai. Okay, jo objects humko लाइट देता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ओके, द ऑब्जेक्ट्स विच कैन एमिट लाइट ऑफ देयर ओन दैट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. एग्जांपल सन, स्टार्स, देन बर्निंग कैंडल, फायरफ्लाई, जेलीफिश एक्सेट्रा. ओके, सो नाउ अदर कैटेगरी दैट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स तो क्या हो जाएगा, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का उल्टा होता है. मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ओके, द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन दैट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट्स हमको लाइट नहीं देता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. ओके, जो ऑब्जेक्ट्स हमको लाइट नहीं देता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मीन्स द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सो वी कैन फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर दिस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक हमारा टेबल, हमारा चेयर, ट्रीज, डॉग्स, कैट्स, ये सभी ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में एग्जाम्पल में हमको बोल सकते हैं. ओके, सो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखने हम कैसे देख सकते हैं, व्हेन दिस लाइट रेज. ओके, व्हेन द लाइट फ्रॉम ए सोर्स इट विल फॉल ऑन दैट ऑब्जेक्ट इट बिकम्स विजिबल टू अस. ओके, जब ये लाइट ये ऑब्जेक्ट में गिरते हैं और वो लाइट हमारा आँखों में वापस आते हैं तब हमने वो ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. ओके, सो नाउ द अदर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वे द ऑब्जेक्ट्स बिहेव व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. जब ये लाइट ऑब्जेक्ट्स में गिरते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब जो लाइट को पास करते हैं और पास नहीं करते हैं और अर्धा पास करते हैं, ऐसे इसके बारे में हमने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग करते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द वे द ऑब्जेक्ट्स बिहेव व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वी कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू मेनली थ्री टाइप होते हैं ये. फर्स्ट वन इज transparent object, second is translucent, and final one is opaque object. Okay, transparent objects, translucent objects, and opaque objects. ये तो हमने material of substance ये chapter में भी पढ़ाई किया. So let us take a quick look on these three kind of objects. So the first one, that is transparent object. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट पास द लाइट कम्प्लीटली. ओके, जो पूरा लाइट को पास करता है
ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. द ऑब्जेक्ट्स विच पास द लाइट कम्प्लीटली थ्रू देम दैट आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. लाइक ग्लास, देन एयर, वाटर, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. सेकेंड वन इज ट्रांसलसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलसेंट ऑब्जेक्ट मतलब वो अर्धा लाइट को पास करते हैं. द ऑब्जेक्ट्स विच एलो ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम दैट आर नोन एज ट्रांसलसेंट ऑब्जेक्ट. लाइक द कूल फिल्म. ओके, जो कूल फिल्म होते हैं जो हमने विंडो में अटैच करते हैं वो, देन मड्डी वाटर, देन फिल्टर पेपर, टिश्यू पेपर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलसेंट ऑब्जेक्ट्स. फाइनल वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओपेक ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है? द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एलाउ लाइट टू पास थ्रू देम. ओके, द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट को पास नहीं करते हैं. ओके, एक साइड से दूसरा साइड में पास नहीं करते हैं. दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स. A lot of examples we can find for opaque objects like wood है, book, metals, brick wall, मतलब जो हमारा दीवार, ये सभी opaque objects का example होते हैं. Okay? So आज सिर्फ इतने होते हैं. Light के बारे में हमने just introduction किया. Then sources of light. Sources of light, natural sources भी होते हैं, man-made sources भी होते हैं. Then luminous and non-luminous objects based upon the ability to emit the light. Then another classification: transparent object, translucent object and opaque objects. Okay, so let us wind up today's session. Thank you my guys.